भारत की संस्कृति, सभ्यता और रहन सहन का हर कोई दीवाना है। इसकी मिट्टी की खुशबू ने कई सूफी संतों का मन मोह लिया था। इसका इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई ऐसे सूफी संत हुए जो अपने मत का प्रचार करते हुए दुनिया के कोने कोने तक गए, मगर अंत में उन्होंने भारत में ही रहना पसंद किया। जबकि हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि इन्हीं सूफी संतों की वजह से आज भी हमारे देश में सद्भाव और आपसी भाईचारा देखने को मिलता है। बहरहाल उन्हीं सूफियों में एक नाम पीर हाजी अली का भी शामिल है। सालों से इनकी दरगाह अरब सागर के बीच स्थित है। इसके आसपास के कई इमारत बाढ़ की चपेट में आए, मगर इनकी दरगाह आज भी उसी टापू पर अपनी खूबसूरती बिखेर रही है। ऐसे में हाजी अली और उनकी दरगाह से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानना दिलचस्प होगा। हाजी अली का पूरा नाम सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी है। ये उज्बेकिस्तान की बुखारा में एक बड़े व्यवसायिक परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके परिवार में सूफी विचारधारा का बोलबाला था, जिसका असर इन पर भी हुआ। ऐसे में हाजी अली ने सूफी मत में गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया था। इसके बाद इन्होंने एक रहस्यवादी सूफी के रूप में कई करामातें दिखाई। उन करामातों के कई किस्से आज भी बहुत मशहूर है। बहरहाल एक मत के अनुसार 15वीं शताब्दी में हाजी अली अपने भाइयों के साथ दुनिया की भ्रमण पर निकले। ये कई सालों से होते हुए भारत के मुंबई शहर पहुंचे थे। कुछ दिनों तक ये अपने भाइयों के साथ मुंबई में रहे और इस्लाम धर्म का प्रचार किया। इसके बाद इनके भाई ने इनको घर चलने को कहा, मगर हाजी अली को भारत से एक गहरा लगाव हो चुका था। वो वापस अपने वतन नहीं जाना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने अपने भाई से वापस न जाने की बात की और माँ के नाम एक संदेश पत्र भी दिया। उस पत्र में इन्होंने अपनी माँ से कहा था कि माँ, मुझे माफ करना, मैं भारत छोड़कर वापस नहीं आना चाहता और यही रहकर इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहता हूँ। हाजी अली अपनी सभी शानो शौकत छोड़ चुके थे, मुंबई में ही रहकर सूफी मत का प्रचार प्रसार करने लगे थे। अपने अच्छे स्वभाव और इंसानियत भरे पैगाम से इन्होंने जल्द ही ख्याति प्राप्त कर ली। तब इनके पास दूर दूर से आए अनुयायियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। इन्होंने लोगों की सेवा करते हुए दुनिया से अपना मोह भंग कर दिया था। शायद इसीलिए इन्होंने शादी न करने का फैसला किया और अपना पूरा जीवन अल्लाह की इबादत में गुजार दिया। कुछ दिनों बाद ये हज करने के लिए मक्का की यात्रा पर चले गए। जाने से पहले इन्होंने अपना सब कुछ गरीबों में दान कर दिया था। इसी के साथ ही इन्होंने अपने मुरीदों से कहा था कि मुझे मरने के बाद दफन न किया जाए, बल्कि मेरे शरीर को समुद्र में डाल दिया जाए। फिलहाल इनकी मौत को लेकर कई मत है। कुछ लोगों का कहना है कि इनकी मौत समुद्र में डूबने से हुई थी। वही दूसरा मत है कि ये जब हज के लिए मक्का गए हुए थे तभी रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई और तब इनका शरीर तैरते हुए वापस मुंबई आ गया था। खैर, वजह जो भी रही हो, मगर इस महान सूफी को भारत से इतना लगाव हो चुका था कि जीते जी भी यही रहना पसंद किया और मरने के बाद भी भारत में ही दफन हो गए। फिर इसी जगह पर इनकी दरगाह स्थापित कर दी गई थी। दिलचस्प यह है कि हाजी अली की दरगाह उसी जगह पर बनाई गई जहां इनकी लाश समुद्र में एक टीले पर आकर रुक गई थी। उससे बड़ी बात यह थी कि हाजी अली जिस जगह पर रहकर अपना उपदेश दिया करते थे उसी क्षेत्र के आसपास इनकी लाश आकर ठहर गई थी। हाजी अली की दरगाह दक्षिण मुंबई के वरली खाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इनकी दरगाह का निर्माण 1431 के आसपास हुआ। इसके निर्माण में हाजी उस्मान रंजीकर का काफी योगदान रहा, जो कि 3 से 4 जहाजों के मालिक थे। उस दौरान इनकी जहाजों से तीर्थयात्री हज करने मक्का जाया करते थे। खैर, दरगाह मुख्य सड़क से 400 मीटर की दूरी पर एक छोटे टापू पर बनाया गया है। यह इमारत लगभग 4,500 वर्ग में मीटर में फैली हुई है। इसके अंदर हाजी अली के स्मारक के साथ ही एक मस्जिद भी बनाई गई है। इसमें 85 फीट ऊंची मीनार का भी निर्माण कराया गया है। सफेद कलर में रंगी इस दरगाह में एक अच्छी नक्काशी देखने को मिलती है। इसके अंदर कांच के एक स्तंभ है जिस पर अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। पीर हाजी अली की दरगाह पुराने आर्किटेक्चर की बेहतरीन कलाकारी और नक्काशी का अच्छा नमूना है।
दरगाह तक पहुंचने के लिए तीर्थयात्रियों को समुद्र के एक संकरे रास्ते से होकर जाना पड़ता है। इस सेतु की ऊंचाई समुद्र से बहुत कम है और मार्ग पर कोई रेलिंग भी नहीं बनी हुई है, लिहाजा दरगाह जाते वक्त समुद्र की लहरों का पानी लोगों के पैरों को स्पर्श कर ही देता है, जबकि तेज लहरों के समय पूरा रास्ता पानी में डूब जाता है। इस दौरान कोई भी तीर्थयात्री दरगाह तक नहीं जा सकता। छोटे से टापू पर बनी हुई इस दरगाह की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। रास्ते के दोनों तरफ समुद्र की लहरें और दरगाह के चारों ओर पानी अपने आप में किसी भी अद्भुत नज़ारे से कम नहीं है। कहते हैं कि रात की वक्त दरगाह की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। जब दरगाह की लाइट समुद्र के पानी पर पड़ती है तो दरगाह का अक्स समुद्र में उतर जाता है। हाजी अली की दरगाह पर हर धर्म के लोग अपनी आस्था के अनुसार मुरादें लेकर आते हैं। यहाँ पर हर जुम्मेरात और जुम्मा के दिन हजारों की संख्या में तीर्थयात्री हाजिरी देने आते हैं। आस्था आने पर कवाली का भी प्रोग्राम किया जाता है। इसी कड़ी में दिलचस्प यही है कि हाजी अली की दरगाह के आसपास कई बार भूकंप और बाढ़ की वजह से कई इमारतें नष्ट हो गई, मगर समुद्र के बीच में स्थित दरगाह आज भी विराजमान है, जो कि एक पीर हाजी अली की रहस्यवादी जीवन को दर्शाती है। यह वजह है कि हाजी अली की दरगाह को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग माना जाता है।